हे गाइस, फाइनली कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीएससी यूजर है, सीएससी संचालक है, अगर आप डीजीपी को यूज करते होंगे, तो जो लेटेस्ट वर्जन आया है, अपग्रेड हुआ है डीजीपी से डीजीपी लाइट, अगर आप अभी तक रजिस्टर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है आपको, आपको कैसे यूजर आईडी पासवर्ड लेना है, चलिए फुल्ली बारीकी से हम लोग आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला है। सो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको सीएससी से रिलेटेड वीडियो यानी सहर अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे यूजर आईडी को लॉगिन करना है और कैसे आपका फुल केवाईसी करना है, आपको कैसे बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपको आप लैपटॉप या पीसी से मत कीजिएगा, ये केवाईसी बनना नहीं होगा। वहाँ से कैमरा से आपको मोबाइल से कीजिएगा, मैं सजेस्ट करूँगा, इससे बेटर क्वालिटी आएगा, बेटर होगा यानी कि। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से डीजीपी लाइट को यूज कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा यानी कि सीएससी आईडी जो है, उसका आगे से 01 लगा देना है। ये रह गया आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपका ईमेल में आया है। चलिए ईमेल में कैसे आता है मैं आपको पूरी बारीकी से यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर आपको अभी तक इसका डीजीपी लाइट का आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है, तो कैसे लेना है आपको मैं आगे इस वीडियो में बने रहिए, मैं पूरी बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मेल आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल बारीकी से। यानी कि वेलकम टू सीएससी फैमिली, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का मेल आएगा आपको भी। यहाँ पे बता रहा है कंप्लीट द केवाईसी फर्स्ट ड्यू टू ट्रांजेक्शन, यानी कि आप कंप्लीट के बिना मैंडेट कर दिया है, केवाईसी के बिना आप कोई भी काम वर्किंग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग केवाईसी कैसे करते हैं फुल्ली बारीकी से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए सबसे पहले डीजीपी लाइट को हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं, उसके बाद लॉग इन करते हैं गाइस। सिंपली लॉग इन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे एम पिन बना लेना है गाइस। यहाँ पे जनरेट एम पिन पे क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे जनरेट एम पिन पे क्लिक कर लिया तो सिंपली आपको ओटीपी आएगा, जो सीएससी से रिलेटेड यानी कि सीएससी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक ओटीपी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे ओटीपी आता है, ओटीपी आप फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर वेरीफाई एम पिन पे क्लिक कर देना है गाइस। तो जैसे आप वेरीफाई एम पिन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको जनरेट करने के लिए कुछ इस प्रकार का, जैसे आप यहाँ पर जनरेट एम पिन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ दो ऑप्शन होगा, आपको यस और नो दो ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको जनरेट कर देना है, यस वाला पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यस वाला पे क्लिक करते हैं, आपका जो सीएससी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको ओटीपी फिल करके एम पिन लॉगिन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपका ओटीपी आएगा। चलिए मेरा अभी गया है ओटीपी, चलिए मैं सेव कर देता हूँ उसको। और एम पिन जो ओटीपी आया है यहाँ से फिल कर देना है आपको, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी लिखा हुआ है, वेरीफाई एम पिन सिंपली जनरेट करके वेरीफाई एम पिन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस आपको कंप्लीट योर केवाईसी क्लोज ऐप्स यानी कि डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा। स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फुल केवाईसी कैसे करते हैं मैं आपको फुल्ली बारीकी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली गाइस, आपको केवाईसी करने के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टार्ट केवाईसी, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बगैर आप यहाँ पे कोई भी सर्विसेज यूज नहीं कर सकते हैं, केवाईसी के बगैर आपका ओपन ही नहीं होगा। चलिए मैं केवाईसी पर क्लिक कर देता हूँ, स्टार्ट केवाईसी पर। सिंपली जैसे स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक, उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल के आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से ईमेल आईडी जैसे डाले अनबोर्डिंग का डीजीपी लाइट का जो ईमेल आईडी आ गया है ओटीपी, तो सिंपली यहाँ से डाल देना है 6683573, ये आपको डाल देना है। देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी आ गया है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ ओटीपी, यहाँ से डाल देना है। चलिए मैं दोबारा देख लेता हूँ क्या है, 7373 यहाँ से फिलअप कर देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। आपको नो नेवर जो भी सेव करना चाहते हैं सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ डिक्लेरेशन पर आपको चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको कंप्लीट योर केवाईसी के लिए आपको डिक्लेरेशन आपको आएगा, पैन वेरीफिकेशन, आधार वेरीफिकेशन, उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको कंप्लीट केवाईसी करने के लिए आपको स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ यहाँ से टर्म एंड कंडीशन डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से टिक लगा के आपको तीनों यानी कि यहाँ पे टिक लगा के आपको तीनों जो है यहाँ पे आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडियन यहाँ पे जो है देख सकते हैं, उसके बाद सेकंड आई एम फिजिकल प्रेजेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद आई है आई एम अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे जो तीनों का ऑप्शन है आई एम इंडियन यानी कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ तीनों को अलाउ कर देना है। और सेकंड वाला आई एम फिजिकल प्रेजेंट यानी कि मैं अभी प्रेजेंट हूँ इंडिया में, तो सिंपली ऑन कर देना। आई एम 18+ ईयर्स यानी कि मेरा 18 साल से ऊपर है, तो सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके
उसके बाद आपको पैन वेरिफिकेशन लाइव बहन रहेगा, पहले से खींचा हुआ फोटो यानी कि गैलरी से आपका नहीं लगा, लाइव फोटो आपको खींच लेना है, इसलिए मोबाइल से खींचिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आपको सिंपली क्लिक कर देना है कैमरा के ऑप्शन पर। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज वी द बॉक्स। यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से आपको खींच लेना है फोटो, यानी ऐसा नहीं ब्लर कर रहा है, आधा कट रहा है, सब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सब नहीं चलेगा, इस कुछ इस प्रकार से चलेगा, तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पेन प्रोसीड टू कैप्चर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ से प्रोसीड टू कैप्चर पर क्लिक करके आपको KYC कर लेना है, यानी कि पैन कार्ड का जो है आपका आईडी का फोटो खींच लेना। चलिए मैं खींच लेता हूँ। सिंपली आपको प्रोसीड कैप्चर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कैमरा टैप बटन पर ऑन करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपका कैमरा खुल जाएगा। यहाँ से आपको बिल्कुल बारीक तरीके से फ्रंट कट को खींच लेना है। सिंपली आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से खींच लेना है। ठीक है, देख सकते हैं यूज दिस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं ऑटो फैच हो जाएगा, आपका पैन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, यानी कि प्लीज़ वेट। यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन, यानी कि आधार का बैक साइड और फ्रंट साइड आपको यहाँ से फोटो खींच लेना। चलिए मैं खींच लेता हूँ। सिंपली यहाँ से आपको यहाँ पर जो है टैप हेयर, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड फ्रंट साइड, यानी कि फ्रंट साइड आपको यहाँ से प्रेस करके खींच लेना है। चलिए मैं खींच लेता हूँ। सेम प्रोसेस है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से क्लियर फोटो खींचिएगा। उसके बाद यूज दिस फोटो सेम तरीका है, कर लेना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं ऑटो खींच, यानी कि डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक साइड देख सकते हैं, यहाँ बैक साइड खींच लेना है, प्रोसीड सेम तरीका। उसके बाद आपको यहाँ से भी आधार कार्ड को भी बैक साइड यानी कि पीछे का साइड आपको फोटो खींच लेना है, लाइव फोटो। उसके बाद यूज दिस पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यानी कि आधार का बिल्कुल बारीकी से खींच लिया हम। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं सेल्फी टिप्स, यानी कि सीधे यहाँ पे ये दोनों नहीं चलेगा। देख सकते हैं टोपी या चश्मा लगा हुआ, यानी कि अच्छे रोशनी ब्राइटनेस में होना चाहिए। चलिए मैं कर लेता हूँ सेल्फी, फिर सीट सेल्फी कर लेते हैं, यहाँ से ले लेना है। उसके बाद आपका सेल्फी भी खींच लिए। उसके बाद शॉप इमेज, यानी कि यहाँ से फ़ोटो भी खींच लेना है, यानी कि शॉप्स का। चलिए प्रेस कर लेते हैं, यहाँ से शॉप का फ़ोटो खींच लेना है। सिंपल यहाँ से आपको राइट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप यहाँ पर अच्छे तरीके से क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं सिंपली यहाँ से आपको सही का निशान लगा देना है ऊपर कॉर्नर में, राइट कॉर्नर पे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका शॉप का भी इमेज अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको शॉप का नाम डाल देना है। चलिए जो भी आपका आप शॉप का नाम है डाल दीजिएगा। निकालता है रफीपुर ऑनलाइन सर्विसेज। उसके बाद आपको सिंपली शॉप एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस हो, सेम एड्रेस कर देते हैं हम, आडा में जो है सेम एड्रेस पे रहता है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, संथाल परगना में रहता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका कंप्लीट कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, आपका कम्प्लीटली KYC हो चुका है। तो आगे भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।